रही है और इस पानी को देख के ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल के करीब आ गए। ये सर हमेशा यही हाल है, हर बारिश के अंदर चाहे थोड़ी बारिश हो चाहे ज़्यादा बारिश हो पानी तो हमेशा भरता ही है। बनवाया था बट वो काम नहीं कर रहा, ना तो उसकी चीज की सफाई हो पाती और ना ही मतलब कोई उसकी देख रेख है। ये तो सर जब से मतलब यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ 6-7 साल हो गए सर मेरे को यही चीज़ें देख रहा हूँ। तो मैंने तो शिकायत की नहीं बट जो यहाँ के प्रधान हैं सर नीरज गुप्ता उन्होंने बहुत हर जगह मतलब शिकायतें दी हैं बट उसका कोई सलूशन नहीं है। हाँ जी हाँ बस यही है, इसीलिए मतलब पानी के साफ किया जाए और वो भी मतलब देख रहे हैं वो होनी भी चाहिए। ये क्या पोस्ट मार्केट चलाती है सर ये, बट यहाँ पे कोई सलूशन नहीं है पानी का भी किसी भी चीज़ का नहीं है। विक्रम यादव नाम है रेवाड़ी, यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है बरसात में, बरसात का भी पानी का रिकॉर्ड नहीं होता इस मार्केट में। सबसे गंदा माहौल इसी मार्केट में पानी का, बाकी कहीं नहीं है रेवाड़ी शहर। तो सर फिलहाल ही गोटे गोटे भरा है पानी, बाइक बंद हो गई मेरी यहाँ पे, बाइक में पानी भर गया, कैसे जाऊँगा आगे मिस्त्री ये दिखाऊँगा जब जाऊँगा, नहीं मैंने तो कहीं नहीं गई सर। मेरी तरफ से यही मांग है यहाँ का पानी रिकॉर्ड जाए। सर्वप्रथम मैं रेवाड़ी न्यूज के जागरूक और सचेत अक्सर संवाददाता का आगमन का स्वागत करता हूँ। इस तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इट हैज बीन ऑर्डर ऑफ द डे, हर मानसून में ये समस्या पैदा होती है। 25 mm 50 mm हो चाहे 15 mm बारिश हो चाहे 50 mm बारिश हो, ड्रेनेज का कोई प्रॉपर जो अरेंजमेंट नहीं है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जो है ब्रास मार्केट में जमा हो जाता है। आने जाने वालों को, वाहनों को, कस्टमर्स को और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और मैं रेवाड़ी न्यूज़ से ये निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस समस्या को पुरजोर से प्रशासन के समक्ष रखें और इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये प्री मानसून बारिश है सर, प्री मानसून बारिश में देख लीजिए आप क्या हाल है। प्री मानसून बारिश का ही जब ये हाल है तो पूरे मानसून में क्या हाल होगा आपके समक्ष है स्थितियाँ। प्रशासन के समक्ष हमारे ब्रास मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान नीरज गुप्ता जी, इन्होंने कई बार अपनी आवाज़ को उठाया है, प्रशासन के समक्ष पूरे तरीके से रखा है, लेकिन प्रशासन ने थोड़े आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। ये तो इस मामले में ड्रेनेज का मैं समझता हूँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ड्रेनेज का अगर प्रॉपर अरेंजमेंट हो तो वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन बिल्कुल जो है उदासीन है इस मामले में। जी प्रशासन से यही मांग है कि वाटर की जो मानसून से पहले है ये ड्रेनेज की साफ सफाई करवाएं और जो पानी का जमा वाटर लॉगिंग नहीं हो बस ये है, ताकि आने जाने वाले वाहनों को, कस्टमर्स को और ट्रेडर्स को परेशानी ना हो और रेवाड़ी का नाम रोशन हो। ब्रास मार्केट इज़ वन ऑफ द पोस्ट मार्केट ऑफ द रेवाड़ी।